साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगापुर से रिलेटेड। एक दो चार वीडियो मैंने पहले भी डाले थे, तो हो सकता है वो वीडियो उन्होंने देखे होंगे, तो मेरे से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने एक लड़का था पता नहीं कहाँ का, उन्होंने मुझे एक वीज़ा भेजा। वो वीज़ा देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। उस वीज़ा में ई वीज़ा भी लिखा है यानी विजिट वीज़ा, नीचे लिखा है परमिट वीज़ा, प्रोफेशन लिखा वर्क परमिट, ये क्या है, माजरा क्या है। उसको गहन तरीके से उसको सर्च किया गया, मैंने सर्चिंग करी, देखा तो ये सच्चाई में बता दूँ, उसमें देखिए हुआ क्या, बंदे ने कॉन्टेक्ट कहाँ से किया, फेसबुक से। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं भाई, मुझे तो चाहे आप फीस मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 50,000 लुटवा लोगे लेकिन 500 रुपये आपके लिए बड़ी रकम हो जाती है। बंदे ने फेसबुक से कॉन्टेक्ट किया और सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा आजकल फेसबुक पे चल रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता ऐड फेसबुक पे आता है, जिन लोग चलाते रहते हैं आप लोग फंकी में उनके झांसे में आते रहते हो। फेसबुक से बंदे ने कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, सिंगापुर जॉब से रिलेटेड, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वर्क परमिट उसको वेल्डर से रिलेटेड जो प्रोफेशन था वेल्डर, सैलरी $1,700 बताई गई। अब आप ये बताइए कि पड़ोस में सिंगापुर मलेशिया है, ठीक है, मतलब मलेशिया और सिंगापुर की करेंसी में 3 गुना ज़्यादा डिफरेंस है, यानी सिंगापुर का डॉलर 50 का चल रहा है, सिंगापुर का मलेशिया का 17 का चल रहा है, 3 गुना डिफरेंस है, लेकिन सैलरी 2 गुना भी डिफरेंस नहीं आ रही, यानी $1,700 सैलरी कतर अपने सिंगापुर में कोई देता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लीजिए। अब लड़के ने क्या किया कि मुझे फीस जमा कर, मैं स्क्रीनशॉट साथ में डालूंगा आप देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट साथ में डाल के मुझे एक वीज़ा भेजा, इस पर ऊपर लिखा ई वीज़ा फॉर रिपब्लिक इन सिंगापुर, इसके देखिए रिमार्क में इसमें लिखा है वर्क परमिट। अब ई वीज़ा हो गया यानी विजिट वीज़ा, विजिट वीज़ा सिंगापुर में पूरी दुनिया को पता है भाई विजिट टू वर्क होता ही नहीं है, नीचे लिख रखा वर्क परमिट वीज़ा, ठीक है। और ये निकला कहाँ से है मैं बता दूँ, इसमें ये मलेशिया, कैसे हो गया यार, ये मलेशिया का बंदा सिंगापुर का वीज़ा दे रहा है, बंदा इंडिया का है, यानी मलेशिया का चलो वीज़ा दे देता है लेकिन मलेशिया का नाम है इसमें साथ में, कैसे हो सकता है ये। तो उसकी सच्चाई साथियों ये है, मैं बता दूं आपको, वर्क परमिट वीज़ा के नाम से बंदे से 15,000 रुपये लिए गए, ठीक है, 15,000 देने के बाद भी वीज़ा ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था। बंदे ने बोला सर वीज़ा ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो बंदे ने बोला कि फीस बाकी है, ठीक है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फीस बाकी है, 50,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे तब जाके वीज़ा ऑनलाइन शो होगा। क्या है ये, यानी बंदे को कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जाने वाले लोगों को, आप जैसे लोगों को कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहने का मतलब कुछ तो यार थोड़ी बहुत बंदे को शर्म करनी चाहिए, कहाँ की बातें, कहाँ मेल भी नहीं खाती, लेकिन नए बंदे होते हैं भाई नहीं पता होता। मतलब भाई ये वर्क परमिट ई वीज़ा के नाम से वर्क परमिट वीज़ा दे रहा है, सैलरी $1,700 दिखा रखा है, 8 घंटे ड्यूटी है, फीस 15,000 रुपये बंदे ने दे दिया, ये तो शुक्र हुआ 50,000 रुपये बंदा 3 दिन में और देने वाला था, ठीक है, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट में आया, उसको सिस्टम मैंने देखा समझा, 2 दिन बाद उसको रिप्लाई दिया कि भाई ये फेक है आपका सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम फेक है। वो 15 तो गए लेकिन ये 50 तो बच गए, समझ रहे हो बात को, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पैसे दो, ये सब कुछ चलता कहाँ से है, इसकी जननी ये फेसबुक है, फेसबुक पे ऐड आते रहते हैं ना, आप लोग कॉन्टेक्ट करते रहते हो। कहने का मतलब शॉर्ट में ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई थोड़ा सा ध्यान दे लें, बच लें, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको चेक कर लें, इतना आसान नहीं है कि विजिट, मैंने खुद ने वीडियो बना रखे हैं और भी बहुत सारी आपको इंक्वायरी मिल सकती है कि विजिट टू वर्क सिंगापुर में होता नहीं है लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। साथ में जो एविडेंस मेरे पास आए थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक साथियों बीच में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन कानून की जितनी भी मान लीजिए घरेलू प्रॉब्लम आपके एक्स वाई जेड जिंदगी में आती रहती हैं, अगर आप कानून इंक्वायरी लेना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री, तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है, लिंक नीचे छोड़ रहा हूं, तो प्लीज़ जाके उसको चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन उसका ज़रूर दबा लें, ताकि कानून से रिलेटेड सही जानकारी जब भी मैं डालूं आपके पास ये सही जानकारी मिलती रहे, जिससे आपके भविष्य में आपके वो वीडियो अगर आपके नॉलेज में रहेगा तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है, तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जाके। जय हिंद, वंदे मातरम।